हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजयविंद, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से भाई इटावा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो सेकंड काउंसलिंग है वो आज स्टार्ट हो चुकी है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे करना है आपको मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कैसे कैसे करना है, क्योंकि अभी कुछ जब अपडेट हुआ था साइट तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है। कैसे करना है सब आपको इसमें प्रोसेस बताएंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं है तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, शेयर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर लो और हमारे इंस्टाग्राम पेज वहाँ हमें फॉलो करो। आपको लिंक जो है इन दोनों चैनल का हमारा लिंक जो है इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ये वेबसाइट का भी जो है लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमें जरूर जरूर कमेंट करें। और नेक्स्ट हम आपको बताने वाले इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी अपडेट है, सारी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सेकंड काउंसलिंग आप खुद कैसे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इसमें देने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो भी एक एक स्टेप बताऊँगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहना वीडियो पर लास्ट तक। तो चलो सर शुरू करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है। तो हम देखिए पहले से ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या करना है आपको, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा जो यहाँ पहले 28/5 लिखा हुआ था, यहाँ से 6/6 लिखा हुआ, यानी कि आपका अपडेट हो चुका है 6/6 का 12/6 तक, ठीक है। अब 12 तारीख लास्ट डेट है, आपको ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको बता दें कि ये इस पर आपको चॉइस क्लिक हियर फॉर चॉइस लॉकिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस आएगा। तो देखिए ये इंटरफेस ओपन होकर आया है। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर चॉइस लॉकिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल से यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ईमेल जो है आपका UPSMFAC ID, आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद IM रोबोट पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि होम पे है, चॉइस लॉक है, चॉइस प्रिंट है, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आप नीचे स्क्रॉल देखेंगे तो आपका नाम आएगा, वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको चॉइस लॉक पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चॉइस लॉक क्लिक करते ही आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। आपके सामने यहाँ पे देखिए आपका नया विंडो आ रहा है। नया विंडो आपके जैसे पास है, यहाँ पे चूज कोर्स कॉलेज, ठीक है, कौन कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना और भी ऐड प्रेफरेंस कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग किया था यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस कर सकते हैं, और भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, बट इसमें अभी हुआ नहीं, आपको एक डेमो दे रहे हैं अभी हम, इनका जो है वो बाद में करके करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरह से आप जितने भी कॉलेज ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ से कोर्स चूज़ करना है, जो भी कोर्स चूज़ करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है वो आप कॉलेज चूज कर सकते हैं, कौन से यहाँ पे देख लीजिए, दो ही कॉलेज सिलेक्ट कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज चूज़ करिए। उसके बाद ऐड प्रेफरेंस करेंगे, प्रेफरेंस के बाद जो भी कॉलेज आएंगे आपके सामने, जो वही कॉलेज यहाँ पर ओपन होंगे, या एक बात ध्यान रखिए वही कॉलेज ओपन होंगे जिनमें सीट अभी है, यानी कि जो जिनमें सीट अभी खाली हैं, जिनमें सीट फुल हो चुकी हैं वो कॉलेज यहाँ शो नहीं करेगा, क्योंकि जब सीट पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फुल हो गई हैं तो सेकंड में क्यों शो करेगा, ठीक है। उन्हीं कॉलेज के सीट अभी फिल होने हैं जिनमें कॉलेज की सीट अभी रह गई हैं, तो आपको ये परेशान है। ऐड प्रेफरेंस करके भी आप देख सकते हैं, हमने ऐड प्रेफरेंस किया, यहाँ पे क्या रहा है, फॉर द डिटेल प्लीज आफ्टर द कम्बाइंड पैरामीटर सिलेक्शन, यहाँ पे डिटेल देखिए आ गया, यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद सेव एंड लॉक कर देंगे, सेव एंड लॉक करने के बाद ये लॉक हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा प्रेफरेंस ऐड करते हैं तो यहाँ पे मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट में किया था, रिमूव भी कर सकते हैं प्रेफरेंस को, ठीक है। तो आप ये जो है सेव एंड लॉक करने पर आपका जो है काउंसलिंग लॉक हो जाएगी। आप ये 12 जो है 12 तारीख तक आप कर सकते हैं, लास्ट डेट 12 जून है। आपको जो है अभी तक नहीं किए तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लें, जो कि मैंने आपको ये लाइव दिखा दिया है। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको क्लियर समझ में आया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है सबको पता हो जाए कैसे करना कैसे नहीं। तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी हमें बताइए, हमारे इंस्टाग्राम जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी हमें ज्वाइन कर लो, सब एक ही नाम से है। हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हमें इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपको वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त।